दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज, भगवान नरसिंह ने जिस प्रकार ब्रह्म होकर जगत की सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। सुनिए, विद्वन नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्म नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसे उपचार से कहा जाता है। उनके अपने प्रमाण से ही उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उनका आधा प्रधान कहलाता है। निष्पाप महर्षि, साधु शिरोमणि, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था, उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव है, उनकी आयु का परिणाम नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ। सुनिए, 18 निमेशों की एक काष्ठा कही गई है, 30 काष्ठाओं की एक कला समझनी चाहिए, तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है, उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। उसमें 2 पक्ष होते हैं, 6 महीनों का एक आयान होता है। आयान 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। ये 2 आयान मिलकर मनुष्यों का 1 वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का 1 मास पितरों का 1 दिन रात बताया गया है, और मनुष्यों का 1 वर्ष वसु आदि देवताओं का 1 दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्थ युग होता है, उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। पुराण तत्व वक्ताओं ने कृत आदि युगों का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाया है। ब्राह्मण, प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या कही गई है, और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच जो काल है, उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग मिलकर चतुर्थ युग कहलाते हैं। द्विज, 1,000 चतुर्थ युग मिलकर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मण, ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं, उनका काल कृति परिणाम सुनिए। सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये पूर्व कल्प अनुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं, तथा उनका संहार भी एक ही साथ होता है। ब्रह्मन, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का मानवंतर कहलाता है, यही मनु तथा इंद्रादि देवताओं का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार ये मानवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। महामुनि, द्विजवर, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल का मानवांतर का परिणाम है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्म का 1 दिन होता है। ब्रह्म जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल से प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहा, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, वृक्ष, पर्वत आदि, पिपीलिका, चीटी, सांप की रचना की है। फिर 4 वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बिताने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन ही बराबर परिणाम वाली रात्रि में शेषनाग की सैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्मा नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिनमें भगवान का मत्स्य अवतार समुद्र मंथन हुआ। उस ब्रह्मा कल्प के समान ही तीसरा वरह कल्प हुआ, उसमें ही भगवत वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक वरह रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचरी जीवों के द्वारा उनकी यथार्थ को जान लेना नितांत असंभव है। वे आदि देव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय से सबका संहार करके शयन करते हैं।